हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक्सेलरेटेड क्यूरिंग ऑफ सीसी क्यूब की प्रोसीजर क्या है, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एक्सेलरेटेड क्यूरिंग ऑफ सीसी क्यूब मेथड से हम जो हमारा क्यूब रहता है उसकी 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे हम वन डे में निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेलरेटेड क्यूरिंग ऑफ सीसी क्यूब की बैक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बैक कैलकुलेशन करके हम इसका डेटा कैसे बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अब जैसे कि हम ये हमारा फॉर्मेट है, मैं आपको बताऊँगा कि हम बैक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारी एक्सेलरेटेड क्यूरिंग की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं हम, तो उसका हम जो रिज़ल्ट है वो पहले ही मानकर चलेंगे, जिससे कि हम इसकी बैक कैलकुलेशन कर सकें। तो जैसे कि हम ये जो हमारा डेटा है, मैं इसकी आपको बैक कैलकुलेशन करके ये रिपोर्ट बनाकर बताता हूँ इस वीडियो में। तो जैसे हमारी जो एक्सेलरेटेड क्यूरिंग की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, ये हम नोट करेंगे जिससे कि हम इसकी बैक कैलकुलेशन कर सकें। तो हम रिज़ल्ट मानकर चलेंगे हमारा ये वाला, तो हम इसको हमारे फॉर्मेट में नोट करते हैं। जैसे हमारी पहली 24.57 हम यहाँ नोट करेंगे, दूसरी है 27.06 हम यहाँ नोट करेंगे, तीसरी है 31.41 अब हमने तीनों वैल्यू को नोट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इससे बैक कैलकुलेशन करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारा ये फॉर्मूला होता है 8.09 प्लस 1.64 इंटू आर ए। अब इससे हम इसको निकालते हैं, जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे हमारा फॉर्मूला है आर 28 इज इक्वल टू 8.09 प्लस 1.64 इंटू आर ए। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा जो आर ए है, ये है हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हम निकालेंगे ये, और जो आर 28 है, ये हमने जो वैल्यू मानी हमारी, ये हमारी आर 28 की वैल्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसका बैक कैसे करेंगे। तो जैसे हम इसका जो हमारा आर 28 है इसकी वैल्यू नोट करेंगे, तो हमारी आर 28 की वैल्यू है 24.57। ये हमारी आर 28 की वैल्यू है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 8.09 को, माइनस 8.09 और डिवाइड करेंगे हम 1.64 से। जिससे कि हमारी जो आर ए है, जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये निकल आएगी। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे हमारा है 24.57, इसमें से हम माइनस करेंगे 8.09, डिवाइड करेंगे 1.64, हमारी वैल्यू आई है 10.048। तो हम यहाँ नोट करेंगे 10.05। तो हमारी आर ए की जो वैल्यू है वो निकल के आई है 10.05। ये हम यहाँ नोट करेंगे 10.05। अब ऐसे ही हम 27.06 से का निकालेंगे। तो जैसे कि हम 24.57 की जगह अब हम 27.066 नोट करेंगे और सेम कैलकुलेशन करेंगे, जिससे हमारी इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। जैसे हमारा है 27.06, तो हम 27.06 में से माइनस करेंगे वही हमारा 8.09 डिवाइड करेंगे 1.64 से, हमारी वैल्यू आएगी 11.56 हम यहाँ नोट करेंगे 11.56
ऐसे ही हम इसकी कैलकुलेट करेंगे 31.41 की, तो हम कैलकुलेट करेंगे 31.41। इसमें हम हमारा माइनस करेंगे 8.09, डिवाइड करेंगे 1.64, तो हमारी वैल्यू आएगी 14.219। तो हम 14.22 नोट करेंगे, 14.22। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम अप्लाइड लोड के एंड में, जो हम CTM से जब हम क्यूब को ब्रेक करते हैं तब हमारा क्या लोड आता है, अब हम ब्रेक कैलकुलेशन करके वो लोड निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो क्यूब रहता है उसका एरिया हम यहाँ नोट करेंगे। जैसे हमारा क्यूब रहता है 150 बाय 150 का रहता है, तो हम उसका एरिया निकालेंगे। तो 150 × 150 लेंथ और जो विड्थ है उसका जब हम इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो निकल आएगा। तो हमारा एरिया है 225.00, ये हमारा एरिया है एम एम स्क्वायर में, ये हम यहाँ नोट करेंगे 225.00। ऐसे ही इसका एरिया भी ये आएगा 225.00, इसका भी 225.00 हमने यहाँ नोट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी बेक करके मैं बताऊंगा कि हम इससे लोड कैसे निकालेंगे। जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, हम इसमें इंटू करेंगे हमारा जो एरिया है इससे, डिवाइड करेंगे 1000 से, जिससे कि हमारा जो लोड है वो निकल आएगा। जैसे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 10.05, तो 10.05 इसमें हम इंटू करेंगे जो हमारा एरिया है 225.00 से, 225.00, और इसमें हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारा जो लोड है वो निकल आया 226.1। ये हम यहाँ नोट करेंगे 226.1। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे 11.56 का, तो 11.56 इंटू करेंगे 225.00, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारा इसके निकल आइए 260.1। हम यहाँ नोट करेंगे, हम 14.22 को निकालेंगे, 14.22 इंटू करेंगे 225.00, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारी वैल्यू निकल 319.9। ये हमारी वैल्यू निकल आई है, हमने यहाँ नोट कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे एक्सेलरेटेड क्यूरिंग की बैक कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप जो इन दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं, ये हमारी जो सीधी कैलकुलेशन की थी हमने, ये उसका फॉर्मेट है, और ये बैक कैलकुलेशन का, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में हमारा जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दोनों की लगभग सेम है, और जो हमारा लोड है वो भी लगभग सेम है। देख सकते हैं आप दोनों में अंतर।